नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे दो चीज़ के डाउट आप लोगों के दूर करने हैं और मुझे लग रहा है कि ये सवाल ना बार बार बच्चा मेरे पास कमेंट बॉक्स में भेज रहा है, सो आई थॉट कि आप लोगों को मैं इसका क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। पहला तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल में मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा के आप लोगों को दिया है, वो एक सवाल जो है उससे रिलेटेड है और दूसरा जो है मार्क्सशीट से रिलेटेड है। सो पहले हम पहले सवाल पे ही चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, बहुत बच्चे परेशान हैं, बार बार पूछ रहे कमेंट बॉक्स में कि सर जी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि वाइट फ़ोटो अपलोड करनी है, अगर हम वाइट फ़ोटो बैकग्राउंड की अपलोड नहीं करते क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड ना करके मार्कशीट को अपलोड कर दिया है फाइनल वाली, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा? देखो भैया, ये जो सिचुएशन है लास्ट टाइम भी हुई थी, ऐसा नहीं है लास्ट टाइम को इस सिचुएशन को बच्चों ने फेस ना किया हो। तो अगर मैं लास्ट टाइम से इस चीज़ को कंपेयर करूं तो फोटो से रिलेटेड आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हालांकि डिपार्टमेंट ने मेंशन किया हुआ है कि वाइट फ़ोटो जो है होने चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने यह चीज़ मेंशन नहीं करी कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप लोग कोई कलरफुल फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं जो है DRDO से बात कर सकूं आज, बट DRDO के पास मेरा जो है फ़ोन नहीं पहुंच पाया या उन्होंने फ़ोन ही मेरा पिक नहीं किया। तो आप 1% भी टेंशन मत लो, मुझे पता है बहुत बच्चों को इस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, तो 1% भी आप लोग परेशान मत होइए कि आप लोगों का फ़ोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म की जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट करने की, डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे तरीके से कर रखी होगी कि वाइट फ़ोटो का थोड़ा सा जो है अच्छा वहाँ पर क्लैरिफिकेशन उनको मिले, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला कि वाइट फ़ोटो अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेचिंत होके आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी ट्रेड है, प्लीज़ ऐसी टेंशन है आप लोग छोड़ दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड आपको 100% कुछ समय बाद देखने को मिल जाएगा, बस ये शर्त मानो कि आपके फादर मदर और आपका नाम उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जी, हमने फॉर्म फिल करते टाइम सर्टिफिकेट मांगा था लेकिन हमने मार्कशीट अपलोड कर दी फाइनल की, तो इस पर मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को बीच में भी वीडियो के दे चुका हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फाइनल ईयर की मार्कशीट को अपलोड कर दिया तो भी आपका एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, बस शर्त यह है जब आप लोगों का DV होगा, DV के टाइम पर आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, अगर डिपार्टमेंट जो है आपसे डिमांड करता है तो, और डिमांड करता नहीं है डिपार्टमेंट आप लोगों से करेगा ही। जिसके बेसिस पे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास नहीं हुआ तो DV के टाइम पर आप लोगों को डिपार्टमेंट बाहर कर देगा। आपके ट्रेड टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं, आपके CBT का कोई फ़ायदा नहीं, आपके मेडिकल का कोई फ़ायदा नहीं। आई होप इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। अब आते हैं बुक पर। देखो भैया, मैंने लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वेल्डर का हिंदी वर्जन, इलेक्ट्रिशियन का इंग्लिश वर्जन, दोनों आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। एक वीक का टाइम मुझे दिया है पब्लिशर ने, एक वीक के अंदर दोबारा से बुक्स मेरे पास आ जाएगी, तो जैसे ही इन दो ट्रेड की इंग्लिश वर्जन और वेल्डर की हिंदी वर्जन आती है आपको बताऊंगा। बाकी ट्रेड्स की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, किसी का एक जो है स्टॉक बचा है, किसी का दो बचा है, किसी का तीन बचा है, आप लोग जाकर देख के उसे ले लो, DRDO की तैयारी कर लो। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी स्पेशल DRDO के लिए बनाई गई है कि, देखो भैया मैंने आपको पहले भी बताया था DRDO नेवर डिस्क्लोज इट्स सिलेबस, DRDO कभी आपको नहीं बताता कि उनका जो सिलेबस क्या होगा, तो इसके लिए आप लोगों को बुक्स ही रेफर करने पड़ती है, जो बेस्ट बुक है, जो बेस्ट पब्लिशर की बुक है, जिसने लास्ट टाइम जो है सक्सेस दिलाई थी बच्चों को, उसका मैंने आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये स्पेशली DRDO के लिए डिज़ाइन है तो ऐसा नहीं है, ये बुक जो है आप लोगों को DRDO में मदद दिलाएगी, 80 में से 50-60 नंबर आप लोगों को इजीली प्राप्त हो जाएंगे, हो सकता है पूरे भी प्राप्त हो जाए अगर आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो। बाकी मेहनत अगर आप करते हैं डेफिनेटली वो रंग लाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। लिंक मैंने बुक्स के आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, कुछ हिंदी में है कुछ इंग्लिश में है, आप जाकर उसे देख लीजिए। फिटर अवेलेबल है, टनर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, हिंदी अभी आउट ऑफ स्टॉक है, MMV है, MMV के लिए परेशान थे बच्चे, डीजल मैकेनिक अवेलेबल है, RNAC अवेलेबल है, आपके लोगों की कारपेंटर अवेलेबल है, उसके बाद जो है आप लोगों की पेंटर जनरल अवेलेबल है, सारी बुक्स अवेलेबल है, आप जाके देखो जो आउट ऑफ स्टॉक है वहाँ पे ब्लैक सा दिखेगा, ठीक है, और जो स्टॉक में है वहाँ पर आप लोगों को बाय करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आई होप कि ये जो दो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इनसे आप जो है बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे।
इन दो पॉइंट से आप लोगों की टेंशन जो है दूर हो गई होगी, फोटो से रिलेटेड दिक्कत दूर और आप लोगों की जो है जो दूसरा पॉइंट था मार्कशीट वाला उससे दूर। अब आप लोगों का जो है बस पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई पे फोकस करोगे तो ही एग्जाम निकलेगा। अगर आप यह सोच रहे जस्ट हम एग्जाम देने जाएंगे और तुक्के में जो है सीबीटी एग्जाम दे देंगे तो ये चीज संभव नहीं होने वाली है। बाकी धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, कीप इन टच। बाकी कोई मदद की जरूरत है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है और फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को मैंने दे दिया है। एक अंत में जाते जाते चीज बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं बुक परचेज करते टाइम डिलीवरी जो है आप लोगों को स्पीड पोस्ट से हो तो इंस्ट्रक्शन का टाइम आता है वहां पे मेंशन कर देना, और अगर पेमेंट करने में पेटीएम से दिक्कत आती है तो पेटीएम में कुछ दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, अगर उससे दिक्कत आती है तो वहां पर फोन पे गूगल पे कार्ड का भी ऑप्शन है, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।